हेलो भाइयों, नमस्कार, राम राम। मैं गोल्डी आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डी जिम फिट इंडिया हिट इंडिया पर सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपके सामने आया हूं। आज हमारा टॉपिक है रोप प्रेस डाउन। ये ट्राइसेप्स के वर्कआउट के बारे में है। मैं इसके रोप प्रेस डाउन के बारे में बताऊंगा कि आपको ये किस प्रकार करनी चाहिए और किस प्रकार नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग ईगो लिफ्ट करते हैं, किसी के शोल्डर में इंजरी हो जाती है, ट्राइसेप्स में कुछ नहीं आता, तो मैं आज उसके बारे में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे जो भी हम न्यू वीडियो लाएंगे आपके नोटिफिकेशन पर पहुंच जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। ओ, ये देखो, हमें इस प्रकार रोप लेनी है। वेट अपनी कैपेसिटी के अनुसार, ये देखो, हमें अपने शोल्डर के बीच जितने लेग्स खोलने हैं और इस प्रकार खड़ा होना है। सबसे पहले तो खड़े होने का तरीका होना चाहिए, पोस्चर। ये देखो, लोअर बैक टाइट और टाइट, ये इस प्रकार, ये जो रिस्ट है हल्के से ये अंदर की तरफ, और ये देखो, स्क्वीज 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 स्क्वीज, ये देखो, ओनली मेरे ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड एक्टिव हो रहा है। ये आपको इस प्रकार करनी है। बहुत जो लोग करते क्या है, जो हमारे शोल्डर ब्लेड है, ये इस प्रकार करते हैं। इस प्रकार मत करो, चेस्ट अप हो, ये शोल्डर पीछे की तरफ हो, लोअर बैक और कोर टाइट हो, ये रिस्ट हल्के से, देखो आप ये करके देखो, आपको खुद पता चलेगा। ये 1 2 इसी प्रकार आप लोगों को करनी है। ब्रीथिंग इन आउट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। पोस्चर है जो पोस्चर ठीक होना चाहिए। बहुत लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे टेढ़ा हो जाते हैं, ऐसा कोई फायदा नहीं है। आप जिस मसल्स पे काम कर रहे हो उस मसल्स पे माइंड लगाओ। बॉडी माइंड कनेक्शन का मतलब यही होता है। वो बहुत लोग देखो वेट डाल लेते हैं ज्यादा, ईगो लिफ्ट दूसरे के उसमें चक्कर में, हाँ। ये इसका कोई फायदा नहीं है। फुल बॉडी को एक्टिव करते हैं, फुल बॉडी को लगजा मारते हैं, इंजरी हो जाएगी, फिर फायदा क्या है? आप क्या वर्कआउट करोगे? आप कृपया करके ईगो लिफ्ट मत करो, अपने पोस्चर को ठीक रखो। वेट उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करोगे वेट उठा के? अगर हमारा 2-3 प्लेट में हमारी मसल्स पे काम आ रहा है, हमें रिजल्ट आ रहे हैं, तो हमें क्या फायदा ज्यादा वेट उठाने का? इसलिए आप वेट अपनी कैपेसिटी के अनुसार उठाओ। अगर आप वेट अपनी कैपेसिटी के अनुसार उठाओगे तो आपकी मसल्स ग्रो करेगी, रिकवरी होगी। अगर आपकी मसल्स पे ही नहीं आ रहा तो फायदा क्या है? आप कुछ भी कर लो। ये देखो, दोबारा मैं बताना चाहूंगा, आप ध्यान दो, मेरी ट्राइसेप्स की मसल लॉन्ग हेड पे, ये देखो पोस्चर, चेस्ट अप, पीछे की तरफ, लोअर बैक, ये ओनली मेरी ट्राई एक्टिव है ना, मेरे शोल्डर पे जोर आ रहा है और कोई से पार्ट पे कोई मूवमेंट नहीं है, ओनली ट्राई। जो ट्राइसेप्स की लॉन्ग हेड मसल्स है वही एक्टिवेट है। तो इसलिए आप, मैं बार बार यही कहना चाहूंगा, ईगो लिफ्ट ना करें, एक्सरसाइज को सीखें किस प्रकार करनी है। आप दूसरों को देख के ईगो लिफ्ट करने लगते हो, ये देखा करो यार, उसको कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए। आप 10 दिन में आने के सोचते हो कि मैं भी बॉडी बिल्डर बन जाऊँ। हर चीज में टाइम, समय देना पड़ता है। जैसे आप समय दोगे तो आपकी मसल्स अच्छी रिकवरी होगी। आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें। गोल्डी जिम फिट इंडिया हिट इंडिया, धन्यवाद।